नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम 12वीं कक्षा में आरओ पुस्तक पढ़ रहे थे और आरओ के पहले पाठ में महादेवी वर्मा द्वारा रचित भक्तिन पाठ पढ़ रहे थे और इससे पहले वीडियो में हम आ रहे थे, यहाँ तक हमने पूरा कर दिया था, यहाँ तक हमने पूरा कर दिया था और हम यहाँ पर आ गए थे 78 पेज के ऊपर। आइए 78 पेज के ऊपर, और इससे पहले हमने ऊपर के पहरे पढ़ दिए थे और आज हम पढ़ने जा रहे हैं भक्तिन के जो है ना जीवन के बारे में। महादेवी वर्मा जी कहती हैं, मेरे भ्रमण की भी एकांत साथी ने भक्ति नहीं रही। जब मैं घूमने जाती थी, भ्रमण करने जाती, तीर्थ यात्रा पर जाती थी तो मेरा सहयोग करने वाली भक्ति नहीं रही। बद्रीनाथ, केदारनाथ आदि के ऊंचे नीचे और तंग पहाड़ी रास्ते में जैसे वह हट करके मेरे आगे चलती रही, वैसे ही गांव की धूल भरी पगडंडी पर मेरे पीछे रहना नहीं भूलती। किसी भी समय कहीं भी जाने के लिए प्रस्तुत होते ही मैं भक्तिन की को छाया के समान साथ पाती थी। बहुत अच्छी बात कही है कि भक्तिन के हमेशा सहयोग से मैं हर कार्य को सफल बना लेती थी। बहुत अच्छी बात है। युद्ध को देश की सीमा में बढ़ते देख जब लोग आतंकित हो उठे, तब भक्तिन के बेटी दामाद उसके नाती को लेकर बुलाने आ पहुँचे, पर बहुत समझाने बुझाने पर भी वह उनके साथ नहीं जा सकी। यानी कि ये बात सिद्ध होती है कि महादेवी वर्मा से भक्तिन का बहुत ही लगाव हो गया था। वह अपने पारिवारिक जैसे सदस्यों की तरह से, परिवार के जो सदस्य उनकी तरह रहने लगी थी। सबको वह देख आती है, रुपया भेज देती है उनके लिए, परिवार के लिए, पर उनके साथ रहने के लिए मेरा साथ छोड़ना आवश्यक है। यानी कि सबसे पहले मेरा साथ छोड़ना पड़ेगा, ये मुमकिन नहीं है। जो संभवतः भक्तिन को जीवन के अंत तक स्वीकार न होगा, ये बात उसको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं होगी कि मैं महादेव वर्मा को छोड़ दूँ। ये उसके मन में हमेशा रहता था। जब गत वर्ष युद्ध के भूत ने वीरता के स्थान में पलायन वर्ती जगा दी, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, तब भक्तिन पहली बार सेवक की विनीत मुद्रा के साथ मुझसे गांव चलने का अनुरोध करने आई। गांव चलने के लिए वह लकड़ी रखने के मचान पर अपनी नई धोती बिछाकर मेरे कपड़े रख देती, दीवार में कीले गाड़कर और उन पर तख्ते रखकर मेरी किताबें सजा देगी, धान के पुआल का गोंदरा बनाकर और उस पर अपना कंबल बिछाकर वह मेरे सोने का प्रबंध करेगी, मेरे रंग स्याही आदि को नई हंडियों में सजोकर रख देगी और कागज पत्रों को छीके के यथाविधि एकत्र कर देगी। ये बात लेखिका को बता रही है, उनको पूरा विश्वास है कि भक्ति ने ऐसा गांव में ले जाकर कर देगी। आगे देखो, मेरे पास वहाँ जाकर रहने के लिए रुपया नहीं है, यह मैंने भक्तिन के प्रस्ताव को अवकाश न देने के लिए कहा था कि मेरे पास धन नहीं है, इसलिए मैंने उस बात को थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहा था। युद्ध के दौरान वह जिद करती है कि आपको गांव चलना पड़ेगा, इस बात के लिए मैं उसको समझा रही हूँ, पर उसके परिणाम ने मुझे विस्मित कर दिया, आश्चर्य में डाल दिया। भक्तिन ने परम रहस्य का उद्घाटन करने की मुद्रा बनाकर और पोपला मुंह मेरे कान के पास लाकर होले होले बताया कि उसके पास 5 बिस्सी और 5 रुपया गड़ा रखा है। आपको पता है कि इससे पहले पहरे में हम पढ़ रहे थे कि 78 पेज के ऊपर की जो पैसे आते थे वो सब हंडिया में डाल देती थी। यहाँ पर पता होता है कि भक्तिन में दुर्गुण नहीं है। वह जो भी पैसे मिलते थे वो सारे के सारे हंडिया में डालकर रसोई घर में रख देती थी और विपत्ति के समय उसने बताया कि मेरे पास इतने रुपए हैं, उसी से वह सब प्रबंध कर लेगी। फिर लड़ाई तो कुछ अमरोत दिखाकर आई नहीं है, यहीं की लंबे समय तक रह जाएगी।
जब सब ठीक हो जाएगा तब यहीं लौट आएंगे। भक्तिन की कंजूसी के प्राण पूंजीभूत होते होते पर्वताकार यानी कि पैसे से लेकर के और बहुत बड़े बन चुके थे, परंतु इस उदारता के डायनामाइट ने विस्फोटक पदार्थ ने क्षण भर में उन्हें उड़ा दिया। इतने थोड़े रुपये का कोई महत्व नहीं, परंतु रुपये के प्रति भक्तिन का अनुराग प्रेम इतना प्रख्यात हो चुका है कि वह मेरे लिए उसका परित्याग मेरे महत्व की सीमा तक पहुंचा देता है। यानी कि पैसे से ज़्यादा अब वह मुझे स्नेह प्रेम करने लग गई। यहाँ तक हमने पढ़ा। आगे पैरा है प्रिय विद्यार्थियों, ये पैरा बहुत ही महत्वपूर्ण पैरा है, इम्पोर्टेंट पैरा है परीक्षा की दृष्टि से। आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, ये बार बार पहले भी परीक्षाओं में आया हुआ है। ये पैरा यहाँ से बनता है कि भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है, सेवक स्वामी का संबंध है। यह कहना कठिन है, बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा न सके, यानी कि उसको दूर न कर सके। और कोई सेवक भी नहीं सुना गया जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे। ऐसा संबंध, घनिष्ठ संबंध था। यहाँ पर पता चलता है कि यानी कि उसको हटाने पर भी नहीं हटा सकता है स्वामी, इतना घनिष्ठ संबंध है सेवक का। ये प्रश्न ये पैरा है। भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत होगा, गलत होगा, जितना अपने घर में बारी बारी से आने जाने वाले अंधेरे उजाले और आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना। यानी कि प्रकृति को भी नौकर बनाना, भक्तिन को नौकर बनाना, कितनी अच्छी बात कही है महादेव वर्मा जी ने कि इस प्रकार से मैं कभी भी उसको नौकर की संज्ञा दे ही नहीं सकती, जो मेरे लिए बहुत ही गलत और अतर्कसंगत रहेगा। वे जिस प्रकार एक अस्तित्व, एक वर्चस्व रखते हैं जिसे सार्थकता देने के लिए ही हमें सुख दुख देते हैं, उसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र अस्तित्व अपने विकास के परिचय के लिए भी मेरे जीवन को घेरे हुए है, मेरे जीवन को बनाए हुए है। ये पैरा यहाँ तक बनता है भाई, यहाँ तक ये पैरा बनता है, इम्पोर्टेंट पैरा है, ये पैरा यहाँ तक बनता है। और इसमें से प्रश्न भी जैसे बीच में बनते हैं वो मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं इनमें से। जैसे पहला प्रश्न इसी पैरे का जैसे संबंध है तो भक्तिन का, तो इसमें पहला क्वेश्चन बन सकता है कि भक्तिन कौन है, उसका वास्तविक नाम क्या है, और दूसरा ये है कि सिद्ध कीजिए कि महादेव वर्मा और भक्तिन में घनिष्ठ संबंध है। ये बात सिद्ध कीजिए कि भक्तिन सच्ची सेविका थी। दूसरा प्रश्न बनता है कि भक्तिन तंग पहाड़ों रास्तों में महादेवी वर्मा के आगे आगे क्यों चलती रही। यानी कि बहुत सारे हर क्वेश्चन में पहला प्रश्न बनता है महादेवी अपने और भक्तिन के संबंधों को मालिक और नौकरानी का संबंध क्यों नहीं पाती, जो यहाँ पर है ये आंसर दिया हुआ है। अगला प्रश्न इसी में बनता है, अर्थग्रंथ संबंधी महादेवी और भक्तिन के संबंधों की तुलना किन से की गई है और क्यों। गद्यांश में भक्तिन के व्यक्तित्व को किन किन विशेषताओं का पता चलता है, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं यहाँ पर। और इसके बाद अगले पैरे में आते हैं परिवार। महादेवी वर्मा कहती है कि परिवार और परिस्थितियों के कारण स्वभाव से जो विषमताएं उत्पन्न हो गई उनके भीतर से एक स्नेह और सहानुभूति की आभा फूटती रही। इससे उसके संपर्क में आने से वाले व्यक्ति उसके जीवन के सहज मार्मिकता ही पाते हैं। छात्रावास की बालिकाओं में से कई कोई अपनी चाय बनाने के लिए दहली पर बैठी रहती है,
कोई बाहर खड़ी रहे मेरे लिए बने नाश्ते का चक्कर उसके स्वाद की विवेचना करती रहती है। मेरे बाहर निकलते ही सब चिड़ियों के समान उड़ जाती हैं और भीतर आते यथास्थान विराजमान हो जाती हैं। ये छात्रावास की जो छात्राएं थी उनके बारे में, इन्हें आने में रुकावट न हो, संभवतः इसी से भक्ति ने अपना जून समय का भोजन सवेरे ही बनाकर ऊपर के आले में रख देती है और खाते समय चौकी का एक कोना धोकर पाक छत के सनातन बहुत पुराने तरीके से नियम से समझौता कर लेती है। प्रिय विद्यार्थियों, बहुत इम्पोर्टेंट पैरा आ रहा है, इम्पोर्टेंट पैरा है। मेरे परिचितों और साहित्यिक बंधुओं से भी भक्तिन विशेष परिचित है। पिछले वर्ष छोड़ करके उससे 2 वर्ष तक लगातार ये पैरा आया हुआ है परीक्षा में। मेरे परिचितों और साहित्यिक बंधुओं से भी भक्तिन विशेष परिचित है, जानकार है, पर उनके प्रति भक्तिन के सम्मान की मात्रा मेरे प्रति उसके सम्मान की मात्रा पर निर्भर है। देखो, ध्यान से सुने बात को, कि जिस तरह से मैं दूसरों का सम्मान करती हूँ उसी प्रकार से भक्ति ने जो है उसी के अनुसार सम्मान करती है। सद्भाव उनके प्रति मेरे सद्भाव से निश्चित होता है। जैसा मैं दूसरों के प्रति सद्भाव रखती हूँ उसी प्रकार भक्तिन भी दूसरों के प्रति सद्भाव रखती है। इस संबंध में भक्तिन की सहज बुद्धि विस्मित कर देने वाली है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर कि भक्तिन की सहज बुद्धि विस्मित कर देने वाली क्यों है? क्योंकि अनपढ़ होते हुए भी भक्तिन जिस तरह से महादेवी वर्मा दूसरों के साथ व्यवहार करती है उसी प्रकार से भक्तिन भी दूसरों के साथ तालमेल व्यवहार करती है। वह किसी का आकार प्रकार वेशभूषा से स्मरण करती है, याद करती है, तो किसी को नाम के अपभ्रंश द्वारा, संदेह के द्वारा, कवि और कविता के संबंध में उसका ज्ञान बढ़ा है। ये ध्यान दे, ज्ञान बढ़ा है पर आदर भाव नहीं, सम्मान नहीं बढ़ा कविता के बारे में। किसी के लंबे बाल और अस्त व्यस्त वेशभूषा देखकर वह कह उठती है, लेखक और कवि तो महादेवी वर्मा के पास आते ही रहते थे, उनके बारे में कहती रहती है, काऊ कवित लिख जानत है, कविता लिख नहीं जानता है, और तुरंत ही उसकी अवज्ञा प्रकट हो जाती है। तब वो कुछ करिए धरिए, ये कुछ न करते हैं न धरते हैं ना, बस गली गली गाउत बजावत फिरे है। ये गली गली जाते घूमते हुए गाते फिरते रहते हैं। इस प्रकार से ये पैरा काफ़ी इम्पोर्टेंट पैरा है, मैंने जो आपको बताया है। और इसके जो प्रश्न हैं, लेखिका ने भक्तिन को बुद्धि को विस्मित कर देने वाली क्यों कहा है, ये प्रश्न है। दूसरा है, कवियों के संबंध में भक्तिन का कि क्या मान्यता है, आशय स्पष्ट कीजिए, कि ये इम्पोर्टेंट बनता है कि उसके प्रति भक्तिन के सम्मान की मात्रा मेरे प्रति सम्मान की मात्रा पर निर्भर है। ये बातें लेखिका ने भक्तिन का संवाद किस भाषा में दिया है, किस भाषा में दिया है, ध्यान दें, लेखिका ने भक्तिन का संवाद लोक भाषा में दिया है, स्थानीय भाषा में दिया है, ताकि प्रभावशाली बनाने के लिए। इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, ये पैरा यहीं पर ही समाप्त होता है और ये वीडियो, अगले वीडियो का इंतजार करिए। धन्यवाद, नमस्कार।